श्रोता कथा करवाता है, वक्ता कथा नहीं करता है। विद्यार्थी पढ़वाता है, टीचर पढ़ाता नहीं है। बढ़िया विद्यार्थी हो तो टीचर चाहता है मैं इसको कितना बढ़िया से बढ़िया ज्ञान दूं, बढ़िया पढ़ाऊं। हाथ जोड़ करके सोनकादि ऋषियों ने कह दिया, गुरुदेव जीते जी तो व्यक्ति की मुक्ति होती है, कदाचित कोई व्यक्ति दुर्व्यसनी हो, पापी हो, दुरात्मा हो, है ना, जीवन भर जिसने पाप ही पाप किया हो, अगर वो मर जाए और उसके लिए कहीं कथा सुना शिव पुराण सुनाई जाए, क्या उसकी मुक्ति हो जाती है? सूजी महाराज कहते हैं हाँ बिल्कुल। बोले ऐसा कोई उदाहरण है? बोले है ना, भगवान भोलेनाथ की सुतन मंगल में गाथा बड़े प्रेम से, और भगवान भोलेनाथ की गाथा तो भैया ऐसे ही है, कैसे है बड़े प्रेम, भगवान भोलेनाथ की दिव्य गाथा सारे पापों का सबको पापों को समाप्त करती है। पल पल भगवान भोलेनाथ को याद करो, पल पल, और आपके पल पल दुख भी, पल पल कष्ट भी दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ का स्मरण जीव को संसार से मुक्त करता है, जीव को बंधन से मुक्त करता है।